नमस्कार बच्चों, कैसे हो? तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ, मैं और मेरा व्याकरण का पाठ भाषा विचार पाठ एक पढ़ते हैं। भाषा क्या है? आपने देखा होगा कि घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो वह अपने मन की बात अपनी माँ तक कैसे पहुँचाता है। वह कुछ इशारे करता है, कुछ संकेत देता है और अपने संकेतों के माध्यम से अपनी बात अपनी माँ तक पहुँचाता है। माँ उन संकेतों को समझती है और उसकी बात को समझ लेती है, किंतु अन्य लोग उस बात को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि सांकेतिक भाषा है। उसमें दूसरों को समझने में असुविधा होती है, इसीलिए फिर अपनी बात को हम भाषा के द्वारा समझाते हैं, यानी कि बोलकर या लिखकर हम अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जिससे हमारी बात को भी समझ सकते हैं। तो यही माध्यम जो है वही भाषा है, यानी कि मन के विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वही माध्यम भाषा कहलाता है। दिए गए उदाहरण को ध्यान से देखिए। विभू क्या कर रहे हो? माँ मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। दादी एक कहानी सुनाइए ना। सुनो, एक समय की बात है। यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं ये भाषा का उदाहरण है। पिताजी मैं चाचा जी को लिखित उदाहरण है। भैया आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी क्या? हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी सांकेतिक रूप। तो इस प्रकार से ये भाषा के तीनों रूप हैं। अगला पेज निकालिए, पेज नंबर 6। अब भाषा धातु से बना होता है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणी अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, अर्थात आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाता है। अब है भाषा के रूप। भाषा के रूपों के बारे में आपने जाना कि एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। सांकेतिक रूप का इतना प्रयोग नहीं होता है। मौखिक रूप में क्या होता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाषण देना, वो मौखिक रूप है। और लिखित रूप में क्या होता है, हम अपनी बात को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो भाषा का लिखित रूप है। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित रूप में क्या होता है, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, यह भाषा का लिखित रूप है। अब है भाषा के सांकेतिक रूप, यानी इशारों द्वारा भाषा का प्रयोग करना। जब संकेतों द्वारा बात समझाई जाती है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। जो व्यक्ति मूक बधिर को होता है, जो बोल नहीं सकते, उनकी जो बातें होती हैं वो। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। अब है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। मातृभाषा होती है जो बालक अपने परिवार से सीखता है, जब जन्म होता है और परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि आपकी भाषा गुजराती है, मेरी भाषा मारवाड़ी है, तो ये हुई मातृभाषा। पर राष्ट्रभाषा क्या है, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे कि आप विद्यालय में हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है और जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है और फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या हुई, हिंदी, क्योंकि यहाँ के लगभग 70 से 75% लोग इसे हिंदी को अपने कामों में प्रयोग लाते हैं। राजभाषा और मानक भाषा क्या होती है। राजभाषा वह भाषा होती है जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है।
राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों है, यानी कि सरकारी कामकाज में जिस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा क्या है? विद्वानों व शिक्षाविद द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई वही मानक भाषा है। आपको समझ आ गया होगा कि सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। इसके बाद अब हम पेज नंबर 10 पर चलते हैं, जहां पर लिपि के विषय। लिपि, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया था, तब उसने अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव किया। अपने विचारों को वह कैसे दूर तक पहुंचाता? ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित कर दिए, है ना। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे प्रारंभ में अगर उन्हें सूर्य के बारे में बताया जाता है तो सूरज का एक चित्र बना देते थे, जैसा कि मैंने आपको कक्षा में समझाया था, ठीक है। तो मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को ही लिपि कहा जाता है। और भारत में प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि हैं। जैसे कि भारत में क्या, पूरे देश में और इस पृथ्वी पर संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो हिंदी की लिपि भी देवनागरी है, गुजराती की लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की लिपि फारसी है। अब है साहित्य। साहित्य सदियों से विद्वानों व शिक्षाविद के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप से संजोकर रखा जाता है। इतिहास, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है, ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती हैं। साहित्य के दो भेद होते हैं, एक होता है गद्य साहित्य, एक होता है पद्य साहित्य। अर्थात आप विद्यालय में जो पढ़ते हैं, आप साहित्य के विषय जो हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने जिसको लिख कर संजोित कर रखा है, जो हम तक उन्होंने पहुँचा है, वही साहित्य है। ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। गद्य साहित्य, जब विचार साधारण रूप में यानी बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसे कि कहानी, उपन्यास, जीवनी, पत्र, नाटक, ये सब क्या हैं? साहित्य हैं। और पद्य साहित्य में क्या होता है कि काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तब वो पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे कि कविता, है ना, गीत, गजल, पद, दोहा, छंद, चौपाई, ये सब किस में आते हैं? पद्य साहित्य में। अब व्याकरण में गद्य और पद्य दोनों का विशेष महत्व है। अब आप सामने एक चित्र दिया गया है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तेरे को मेरे से क्या चाहिए, मेरे को तेरे से हिसाब चाहिए, ये बोलने में और पढ़ने में बहुत ही अटपटा लग रहा है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल गलत है। दिए गए चित्र में बच्चा मेरे को तेरे से तथा कुछ चाहिए कह रहा है, ये सुनने में अटपटे लगे क्योंकि ये भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण की दृष्टि से इन वाक्यों का शुद्ध रूप है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे तुमसे किताब चाहिए। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। यह क्या होता है? व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग नहीं सीखा जा सकता। व्याकरण के चार अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार दोहरा लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसे बालक परिवार से सीखता है। देश के कार्यालय व राजकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? राजभाषा। बिल्कुल सही। विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप क्या कहलाता है? मानक भाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, अर्थात बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे देश में नहीं बोली जाती है। साहित्य ज्ञान का संचित कोष है और साहित्य के दो रूप कौन कौन से हैं? गद्य तथा पद्य। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। समझ आया बच्चों? उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब
इस पाठ की जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 12 और 13 पर, 12, 13, 14 पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसे आप अपनी हिंदी नोट हिंदी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा दी गई पीडीएफ फाइल के सहायता से। तो इसी के साथ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया हो, मैं बलकेश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।